कविशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी वेब सीरीज है उसका नाम है कालकूट। नाम से बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगेगा कि इसकी कहानी का कुछ आइडिया कि किस तरीके की कहानी बताने की कोशिश की गई, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इशू जो देश में है, जिस तरीके से एसिड अटैक होते हैं, लड़कियों पे एसिड डाला जाता है, उसके इर्द गिर्द की कहानी है ये। इसको लिखा है जो TVF के हम सबके चहिता जो TVF के फाउंडर है अरुणाब, सुमित सक्सेना ने इसको डायरेक्ट किया है। और इसमें जो एक्टर हैं वो हम सबके अलग अलग वेब सीरीज में, अलग अलग फिल्मों में हमने इन सभी को देखा है। विजय वर्मा हो, सुविता त्रिपाठी हो, सीमा विश्वास हो, यशपाल शर्मा, गोपाल दत्त, सबकी एक अलग तरीके की एक्टिंग है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जो कस्बा होता है उसकी कहानी है कि एक लड़की पे जब सुबह सुबह जा रही होती है, उसके ऊपर खड़ी होती है कहीं पे, उसके ऊपर अचानक से स्कूटर में आके दो लोग तेजाब डाल के चले जाते हैं। और तेजाब डालने के बाद किस तरीके से जिस लड़की की शादी होने वाली है, उस लड़की की शादी तो होती ही नहीं है, लेकिन उसकी जो व्यक्तिगत जिंदगी है वो किस तरीके से खराब होती है, उसके पेरेंट्स किस तरीके से परेशान होते हैं कि एक लड़की खुद अपना चेहरा जब मिरर के सामने देखती है तो उसको देखकर डर जाती है, इस तरीके की कहानी है। कहानी आपको कभी रुला सकती है, कभी रुलाएगी ही आपको कहानी, क्योंकि इंपॉर्टेंट इशू है, तो आपको सोचने पे विवश करेगी कि आप कालकूट को देखने के बाद एक बार जरूर सोचेंगे कि जो समाज में जिस तरीके से एसिड अटैक हो रहे होते हैं उन पे अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस तक पहुंचाना, वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, ताकि इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो ना हो पाए, लड़कियां सुरक्षित रह सकें। और जो लड़की के साथ उनके परिवार वाले उस इंसिडेंट के बाद जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जिस तरीके से डर डर के ज़िंदगी जीते हैं, वो इशू जो एक इम्पॉर्टेंट है समाज के लिए, देश के लिए, वो इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। और विजय वर्मा की अल्टीमेट एक्टिंग देखने को मिलेगी इसमें, जिस तरीके से हमने उनको अलग अलग रोल्स में आजकल देख रहे हैं, चाहे मिर्जापुर में उनकी एंट्री हो, डार्लिंग्स में उनकी एक्टिंग हो, लव स्टोरीज में उनकी एक्टिंग हो, अलग अलग जिस तरीके से वो एक अलग रूप में अभी आजकल हमें देखने लगे हैं, तो विजय वर्मा की एक्टिंग है, यशपाल शर्मा की एक्टिंग है, जो उनके साथ में उनके पुलिस वाले होते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, किस तरीके से सबका एक जो सोसाइटी एक कम्युनिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक एक अच्छे समाज को बनाने में, वो इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। तो कालकूट आप जरूर देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। इस तरीके की और फिल्मों के लिए, वेब सीरीज के लिए, टीवी सीरियल्स के लिए जुड़े रहिए कविशाला के साथ में। धन्यवाद।